दोस्तों ताजमहल तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा और इसके साथ ही आप सभी लोग ताजमहल के बारे में बहुत से रहस्य जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय ताजमहल को 15 दिनों के लिए हरे कपड़े से ढका गया था, तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन था, आइए जानते हैं। तो अगर हम सन 1971 की बात करें तो 1971 में पाकिस्तान सेना ताजमहल को निशाना बनाना चाहती थी और खुफिया रिपोर्ट यह मिली थी कि पाक वायुसेना आगरा में हवाई हमला कर सकती है। ऐसे में सरकार ने तुरंत ताजमहल को हरे कपड़े से ढकवा दिया। सरकार का प्लान था कि जब पाक वायुसेना के विमान ताजमहल के ऊपर से गुजरेंगे तो वे उसे हरियाली वाला इलाका समझकर वापस चले जाएंगे। और वहीं इसके साथ ही चांदनी रात में ताजमहल की जमीन पर लगे संगमरमर के पत्थर चमके नहीं, इसके लिए उस पर झाड़ियों को रखा गया था। इस तरह करीब 15 दिनों तक ताजमहल पर हरे कपड़े से ढका गया था। तो यही रीजन है कि ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया था। तो आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।